हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर पार्ट टू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ईसोफेगस, स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस एंड द फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस एंड ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ ईसोफेगस एंड इन दिस वीडियो मींस द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट थ्री वी विल डिस्कस the next part of alimentary tract, the next organ of the alimentary tract, that is stomach. The stomach is a muscular organ located on the left side of the upper abdomen. The stomach receives food from the esophagus. So stomach is called a gastric organ. ये अगर location देखा जाए तो हमारे abdominal cavity में 9 regions होते हैं, abdomen के 9 regions होते हैं, जिनमें से ये एपिगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट होता है। अगर क्वाड्रेंट्स की बात करें तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है और इसका मेन जो रोल है वो फूड को केमिकली डाइजेस्ट करना। स्टमक में जो भी फूड आता है वो ईसोफेगस से रिसीव करता है, मींस जो ईसोफेगस हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो कि ओरल कैविटी टू फारिंग्स, फारिंग्स टू ईसोफेगस फूड सप्लाई होकर आ रहा था, वो सीधा का सीधा ड्रेन किया जाता है ईसोफेगस के अंदर, सॉरी स्टमक के अंदर। As food reaches the end of esophagus, it enters the stomach through a muscular wall called the lower esophageal sphincter. Another name also of this sphincter, that is the cardiac sphincter, पहले भी डिस्कस कर चुके हम इसके बारे में। तो जो भी फूड esophagus से स्टमक में पहुँचेगा वो इस sphincter के थ्रू, यानी कि लोअर esophageal sphincter और cardiac sphincter के थ्रू पहुँचता है। See the reasons of the abdominal cavity. First one, the right hypochondric, and last one in upper side is the left hypochondric region. In between both left or right hypochondric region is called epigastric region, where the stomach will present. See the shape and structure of the stomach. This one is the esophagus, and this line is the gastroesophageal junction, जहाँ पर esophagus stomach के साथ में join होता है, connect होता है। और जहाँ पर ये गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, इसके जस्ट ऊपर होता है कार्डिक स्पिंटर, या यू कैन से लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। नेक्स्ट वन, दिस इज द स्टमक, एंड स्टमक कंटिन्यू विद द ड्यूटेरियम, इट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यू कैन से बिगनिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड दिस स्टमक इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन फंडस, यू कैन सी द अपर डोम शेप पोर्शन इज द फंडस, द मिडिल वन पोर्शन, ब्रॉड पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टमक, एंड लास्ट वन पोर्शन इज कॉल्ड एंट्रम, एंड एंट्रम एंड ऑन द प्लेस ऑफ पाइलोरस। स्टमक हैव टू कर्वेचर्स, फर्स्ट वन इज द ग्रेटर कर्वेचर, दिस इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, एंड द सुपीरियर सर्फेस, सुपीरियर कर्व ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर। स्टमक में भी दो स्पिंक्टर्स होते हैं, जैसे कि ईसोफेगस हमने देखा था सुपीरियर ईसोफेजियल एंड इन्फीरियर ईसोफेजियल, वैसे ही स्टमक में भी दो स्पिंक्टर्स हैं, एक जहां से ईसोफेगस से फूड स्टमक में एंटर करता है, दूसरा वहां जहां से स्टमक से फूड ड्यूडेनम में एंटर करता है। तो सुपीरियर स्पिंक्टर जहां पर ईसोफेगस से फूड स्टमक में एंटर करता है, वहां पर सेम कार्डिक स्पिंक्टर वर्क करता है, इससे कॉमन स्पिंक्टर हु वर्क इन द ईसोफेगस एंड फॉर द ईसोफेगस एंड फॉर द स्टमक, एंड अनदर वन स्पिंक्टर एट द साइट वेयर स्टमक एम्प्टी देयर फॉर्मेशंस और यू कैन से काइम इन टू द ड्यूडेनम इज कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंटर, बिकॉज इट्स प्रेजेंट ऑन द साइट ऑफ पाइलोरस। सी द रिलेशंस ऑफ द स्टमक मीन्स द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टमक। इफ यू विल टॉक अबाउट द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द स्टमक, दैट टाइम यू कैन से द एंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ लिवर एंड एंटीरियर एबडोमिनल वॉल, मीन्स स्टमक के सामने की तरफ, स्टमक के फ्रंट में लिवर का लेफ्ट लोब प्रेजेंट होता है और एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली एब्डोमिनल एरोटा, पैंक्रियास, स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी, सुपीरियरली डायफ्राम, ईसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, इन्फीरियरली ट्रांसवर्स कॉलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसवर्स कॉलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। In the left side of the stomach, diaphragm and spleen. In the right side of the stomach, liver and duodenum. So these are the surrounding structures of stomach. A pouch-like organ, see the structure of stomach. A pouch-like organ primarily designed for food storage.
It store the food for 2 to 4 hours. Some mechanical and chemical digestion also occur. You can say the most of mechanical digestion is happens into the oral cavity. Means जितना भी mechanical digestion उसका most of part oral cavity में हो जाता by the help of teeth, by the process of mastication. लेकिन उसका कुछ बचा हुआ part, वो food जिसको और बारीक टुकड़ों में नहीं तोड़ पाए, means उसको large particle to completely small particle में convert नहीं हो पाया है, वो food stomach के अंदर stomach के होने वाले peristaltic movements के थ्रू और बारीक टुकड़ों में टूट जाता है, मीन्स उसका कंप्लीट मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है. यू कैन से कि स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर फूड का कंप्लीटली मैकेनिकल डाइजेशन हो चुका होता है और ये SCL यानी गैस्ट्रिक जूस जो प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाता है और बॉलस से काइम में कन्वर्ट हो जाता है. लेट्स सी. और एक और चीज़ कि स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट तो ओरल कैविटी से ही हो जाता है जहाँ पर उसमें एमाइलेज मिक्स होता है फूड के अंदर, टाइलिन मिक्स होता है फूड के अंदर और वो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है. दिस प्रोसेस इज द केमिकल डाइजेशन. तो हम कह सकते हैं कि ओरल कैविटी से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, हो जाता है. लेकिन केमिकल डाइजेशन स्टमक के अंदर भी केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस काफ़ी हद तक होती है. कंटेन्स टू स्फिंक्टर्स एट बोथ एंड टू रेगुलेट फूड मूवमेंट्स. जैसे अभी हमने बात की थी, यहाँ पर भी दो स्फिंक्टर्स होते हैं जो फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं. फर्स्ट वन कार्डियक स्फिंक्टर नियर द इसोफेगस. अनदर नेम ऑफ दिस कार्डियक स्फिंक्टर इज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. एंड नेक्स्ट वन इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द साइट ऑफ पाइलोरस. कनेक्ट ड्यूडेनम एंड स्टमक. डिवाइडेड इंटू फोर रीजन्स. स्टमक को चार रीजन में डिवाइड किया हुआ है. पहला है कार्डियक स्टमक और कार्डियक, फंडिक स्टमक और फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक और pylorus. Contain thick folds called rug at its layer for providing. See, rug means some prominences which occur on the interior surface of or in the lining layer of stomach. Those are not permanent. Sometimes they will disappear and sometimes they will present. How? कि जब स्टमक एम्प्टी होता है, खाली है, उस टाइम पर ये रग दिखाई देंगे, मीन्स प्रेजेंट होंगे. और जब स्टमक फुल हो जाता है, मीन्स जब आपने खाना खा लिया है, उसके बाद ही डिसअपीयर हो जाते हैं. हाउ? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक का साइज है वो स्ट्रेच हो जाता है, लार्ज हो जाता है. जब ये स्ट्रेच होता है तो इसके अंदर जो इनर लाइनिंग लेयर पर रग बने हुए थे वो स्ट्रेच होने की वजह से डिसअपीयर हो जाते हैं. जब स्टमक खाली होता है तो स्टमक फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और वो रग फिर से दिखाई देने लग जाते हैं. Large surface area for expansion, secretion, digestion and some absorptions. Stomach का जो internal lining area है, internal surface area है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस जो help करता है expansion में, secretion of gastric juices or many more enzymes, substances, mucus and help in the digestion of food and some type of absorptions. Means you can say कि absorption की process डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक से स्टार्ट हो जाती है. फंक्शंस ऑफ द स्टमक. फर्स्ट वन डाइजेशन. द स्टमक रिलीज प्रोटीजेस मींस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स और इनहिबिट बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स द एसिड पीएच और टू फॉर द प्रोटीज टू वर्क. पहला फंक्शन क्या है? डाइजेशन. स्टमक से प्रोटीज एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है. प्रोटीज एंजाइम्स उन एंजाइम्स को कहते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सिन. दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी स्टमक के द्वारा सेल किया जाता है पैरेटल सेल्स के थ्रू और ये HCl स्टमक के एसिडिक मीडियम को बढ़ाता है. क्या रोल होता है इस एसिडिक मीडियम का? पहला कि फूड में आने वाले बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है, मींस जो भी माइक्रोब्स उनको किल करने में हेल्प करता है. दूसरा उसकी पीएच को बढ़ा देता, पीएच बड़ा होने की वजह से पेप्सिन यानी कि जो भी प्रोटीज एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं. मींस जितने भी प्रोटीज एंजाइम हैं वो हाईली एसिडिक मीडियम में, जितना हाईली एसिडिक मीडियम होगा उतना ही अच्छा काम करेंगे, उतना ही अच्छा वर्क करेंगे.
Second one function, food is turned by stomach through muscular contraction of the wall called peristalsis. Means वो food जिसको हमने oral cavity में intake किया था, means ingestion के बाद में उसको masticate किया था by the help of teeth, chewing जिसको हमने कहा था, वही एक उसी process का एक छोटा सा part stomach में भी होता है by the help of contraction and relaxations of the stomach. Stomach में continuously contractions होते हैं. इन contractions और relaxations के continuous चलने की process को, इन movements को कहते हैं peristalsic movements, जो कि food के churning में help करते हैं, means food के mechanical digestion में help करते हैं. Next one function of the stomach is the absorption. Some absorption of certain small molecules nevertheless does occur in the stomach through its lining. कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जिनका absorption stomach की inner lining के द्वारा stomach के अंदर start हो चुका होता है. Gastric juices, gastric acid, gastric juices or stomach acid is a digestive fluid formed in the stomach and is composed of hydrochloric acid called HCl, potassium chloride KCl and sodium chloride NaCl. So these are the component those present within the gastric edges. You can say gastric juice also, you can say stomach acid also. The acid plays a key role in digestion of protein by activating digestive enzymes and making ingested proteins unravel so that digestive enzymes break down the long chain of amino acids. See, what is the role of these gastric juice or stomach acid or gastric acid? ये stomach की pH को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से microbes ख़त्म हो रहे हैं. दूसरा, इन digestive juice की वजह से कुछ enzymes वो active हो रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जितने भी एंजाइम्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं वो हाईली एसिडिक मीडियम में काम करते हैं. फॉर एग्जांपल पेप्सिन, तो उनको स्टिमुलेट, उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है. दूसरा कि ये HCl डायरेक्टली डाइजेशन में भी हेल्प करता है, मींस ड्यू टू HCl फैट डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, जिससे फैट मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. मीन्स यहाँ पर इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से जो लॉन्ग चेन्स हैं और एमिनो एसिड्स की या जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स, मीन्स वो सेल्स जहाँ से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है. फर्स्ट वन, चीप सेल्स सिक्रेट पेप्सिनोजन एंड इनएक्टिव एंजाइम. चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करते हैं. कम्प्लीटली इनएक्टिव एंजाइम होता है एट द टाइम ऑफ सीक्रेशन, बट ड्यू टू HCl व्हिच हू प्रेजेंट इन द स्टमक, उसकी वजह से ये एक्टिव हो जाती हैं. पैराइटल सेल्स सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल्सो कॉल्ड HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मीन्स यहाँ पैराइटल सेल्स को तो HCl का मैक्सिमम सिक्रेशन होता है, साथ ही साथ इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है, यू नो वेरी वेल, मेंटेन द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक विच हु हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स. इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो विटामिन B12 हमारे फूड में हम इनटेक करते हैं वो B12 का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं. इंटेस्टाइन म्यूकस सेल्स सीक्रेट म्यूकस एंड एल्केलाइन सबस्टांसिस टू हेल्प न्यूट्रलाइज HCl इन द गैस्ट्रिक जूस. म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इनर लाइनिंग सरफेस पर होती हैं, इनसे म्यूकस का सीक्रेशन होता है. ये म्यूकस एक एल्कलाइन मीडियम है जो उस एल्कलाइन मीडियम के यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आने वाले एसिडिक मीडियम को यानी कि HCl को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से स्टमक के इनर लाइनिंग वॉल में कभी भी बर्निंग्स नहीं होती, वहाँ पर अल्सर्स फॉर्मेशन नहीं होता है. नेक्स्ट वन, जी सेल्स सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन विच स्टिमुलेट द पैराइटल सेल्स एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक टू सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स. ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक, यू नो वेरी वेल, द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एरोटा
The two direct branch of abdominal aorta, those are the right gastroepiploic artery and left gastroepiploic artery. These are the branch of gastric artery who give blood supply to the stomach or stomach wall, stomach structure. Venous drainage by the gastric vein. And one more thing is there. स्टमक से आने वाली सब जो ड्रेनेज है वीनस ड्रेनेज है वो गैस्ट्रिक वेन से जाता ही है, लेकिन यहाँ पर एक ये जो गैस्ट्रिक वेन है वो कनेक्ट हो जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन में. इस हेपेटिक ये है हेपेटिक पोर्टल वेन, तीन वेन्स का फ्यूज़न होता है, एक गैस्ट्रिक वेन, ठीक है, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड ड्रेनेज को वापस लेके आने वाली वेन, जिस वेन के थ्रू इंटेस्टाइन से ब्लड सप्लाई वापस आती है, तीसरा पैंक्रिया से आने वाली पैंक्रेटिक वेन. ये तीनों वेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और ये वेन्स मिलकर के एक वेन बनाती हैं, इसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन. ये हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड सप्लाई लेके जाती है लिवर को. नेक्स्ट वन द पैंक्रियास. The pancreas is a glandular organ in the digestive system and endocrine system of vertebrates. जो pancreas है it's a accessory organ of the digestive system. It is not the part of alimentary tract or gastrointestinal tract. ये एक endocrine gland है, heterocrine gland है, जिसका रोल है एटोक्राइन ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रोल प्ले करते हैं. यहाँ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रोल को प्ले किया जाता है पैंक्रियास के द्वारा. जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन. इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन एंड पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ऑल ऑफ विच सर्कुलेट इन द ब्लड. सॉरी गाइस, यहाँ मैंने एटरोक्राइन की जगह एंडोक्राइन लिख दिया है. सो करेक्ट, इट्स अ हेटरोक्राइन ग्लैंड नॉट एंडोक्राइन. मीन्स इट्स सीक्रेट इट्स प्ले एटरोक्राइन सॉरी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ ऑफ द फंक्शन. द लेंथ ऑफ द स्टमक इज 15 सेंटीमीटर टू 6 इंचीस. सी दिस येलोइश कलर पार्ट इज द पैंक्रियास विच प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक. It's divided into three parts, head, body and tail. It's connect with the duodenum. It's a part of small intestine. See, head, neck, body and tail. Structure. Anatomically, the pancreas is divided into the head of the pancreas, the neck of the pancreas, the body of the pancreas and the tail of the pancreas. The neck is about 2.5 centimeter or 1 inch long and lie between the head and the body. The body is the largest part of the pancreas and lie behind the pylorus, the tail, and by abutting the spleen. Blood supply of this pancreas is superior mesenteric artery and splenic artery. Venous drainage is a superior mesenteric vein and splenic vein. Functions of the stomach. Functions of the pancreas. First one, the pancreas is involved in the blood sugar control and metabolism within the body. Main jo role hai pancreas ka, that is blood sugar level ko control karna, usko regulate karke rakhna. How? See, pancreas ke structure ke andar, pancreas isolates ke andar तीन तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स. अल्फा सेल्स के थ्रू ग्लूकागोन का सीक्रेशन किया जाता है, बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन का सीक्रेशन किया जाता है एंड डेल्टा सेल्स के थ्रू सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन किया जाता है. ग्लूकागोन क्या करता है,
कि जो ग्लूकोज, सबसे पहले अगर हम इंसुलिन से स्टार्ट करें बीटा सेल्स से, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सी, जो बीटा सेल्स हमसे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ये इंसुलिन क्या करता है कि जो हमने खाना खाया है उसमें जितना भी ग्लूकोज था जो डाइजेस्ट हुआ और उसको एब्जॉर्ब किया गया इंटेस्टाइन के द्वारा, और वो एब्जॉर्ब के ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही पहुँचता है तो ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट इंसुलिन जो कि कहाँ से आया, पैंक्रियास की बीटा सेल से, वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकागोन और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज इज अ एक्टिव फॉर्म, मेटाबॉलिक फॉर्म, ये फंक्शंस कर सकती है, एक्टिव, ये मेटाबॉलिज्म कर सकती है, इससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। बट ग्लूकागोन इज एन एक्टिव फॉर्म, मीन्स ये स्टोरेबल फॉर्म है, ये एक्शन नहीं करती, ये मेटाबॉलिज्म नहीं करती, कब तक, जब तक कि इसे वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट ना किया जाए। तो इंसुलिन का फंक्शन होता है इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ये ग्लाइकोजन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन टू द लिवर। अब आता है फंक्शन अल्फा सेल्स का। सो अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागोन का सिक्रेशन करते हैं, ग्लूकागोन क्या करता है, अगेन उस स्टोर्ड ग्लूकागोन को नीड होने पर, जब हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है, ग्लूकोज लेवल कम है, उस टाइम पर ये ग्लूकागोन उस ग्लूकोज को वापस से कन्वर्ट करता है, ग्लूकागोन को वापस से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और हमारी सेल्स को वापस से अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज अवेलेबल हो पाती है। नेक्स्ट वन इज द डेल्टा सेल्स, सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन, रेगुलेट्स एंड स्टॉप अल्फा एंड बीटा सेल्स टू प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकागोन और इंसुलिन, इसे रेगुलेटरी हार्मोन भी कह सकते हैं। जो सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स सीक्रेट है, इसका काम क्या है, ग्लूकागोन और इंसुलिन के सीक्रेशन को रेगुलेट करना, कब कितना ग्लूकागोन चाहिए, मींस कितने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्लूकागोन का सीक्रेशन करवाती हैं, और कब कितना इंसुलिन चाहिए, मींस हमारे ब्लड में कितना शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको वापस से ग्लूकागोन में कन्वर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इंसुलिन का सीक्रेशन करवाती हैं बाय द स्टिमुलेशन ऑफ दीज सेल्स। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दीज सेल्स। वन मोर सेल इज द पैंक्रियाटिक एसिड, दैट्स द गामा सेल, सीक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। सी द नेक्स्ट फंक्शन, शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, शुगर का कंट्रोल करती हैं और मेटाबॉलिज्म करवाती हैं। नेक्स्ट वन इज द पैंक्रियाटिक आइसलेट्स आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज, विद इन दीज आइसलेट्स आर फोर मेन टाइप ऑफ सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ईच टाइप ऑफ सीक्रेट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अल्फा सेल्स सीक्रेट्स ग्लूकागोन, इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड, बीटा सेल्स सीक्रेट्स इंसुलिन हु डिक्रीज द ग्लूकोज इन द ब्लड, एंड डेल्टा सेल्स सीक्रेट्स सोमेटोस्टेटिन हु रेगुलेट और स्टॉप अल्फा एंड बीटा सेल्स फंक्शन, एंड गामा सेल्स सीक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने केवल एक ही फंक्शन देखा है अभी, दैट इज द अबाउट द पैंक्रियास, दैट इज द एंडोक्राइन फंक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सोक्राइन फंक्शन। तो पैंक्रियास के द्वारा एक जूस बनाया जाता है, इसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, इसे पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास की सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और उस पैंक्रियाटिक जूस को पैंक्रियास के अंदर ही पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर छोड़ दिया जाता है, और इस पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग जो ओपनिंग है वो होती है हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाने में, और ये हेपेटिक डक्ट और पैंक्रियास से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट ये दोनों मिलकर के एक डक्ट बनाती हैं, कॉमन डक्ट बनाती हैं, इसे कहते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जाके ओपन होती है ड्यूडेनम में, और इस डक्ट का फ्लो मींस पैंक्रियास से आने वाले पैंक्रियाटिक जूस और लिवर गॉल ब्लैडर से आने वाले हेपेटिक जूस या बाइल, इन दोनों का स्टोरेज इस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में एक स्पिंक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और उस स्पिंक्टर का नाम होता है हेपेटोपैंक्रियाटिक स्पिंक्टर, और जहाँ पर ड्यूडेनम में इस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है उसे कहते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। So these are the functions of pancreas. So thank you dear students, in this video we will discuss only about
the structure of stomach, the functions of stomach, position of stomach, blood supply of stomach, and in pancreas, location of pancreas, structure of pancreas, functions of pancreas, and blood supply and nerve supply of pancreas. Thank you, dear.